Anwesha here, and today I'm gonna review and make a waterproof test of this eyeliner. This one is from Lakme 9to5 Impact Eyeliner. So I'm gonna review this product, the full detailed review, and wanna do this waterproof test. So if you want to see that whether it passes this waterproof test or not, and if you want to hear the detailed review, then keep on watching my video. So here is the product. ये है Lakme 9to5 Impact Eyeliner. ये जो है ये टाइनी से एक तो बॉटल में आता है जो कि बहुत ही सुंदर दिखने में है. इसका जो एप्लीकेटर है वो गोल्डन कलर का और इसका कंटेनर रोज गोल्ड कलर का है. ये इसका जो बैच नंबर, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट इसमें है, ये इसके नीचे लिखा हुआ है, इसके सामने इसका नाम लिखा हुआ है, इसके पीछे इसका सब मतलब इसके यूज बाय डेट वगैरह लिखा हुआ है. इसका जो यूज बाय डेट है वो है 30 मंथ्स, विच मीन्स 2.5 ईयर. इसका जो एप्लीकेटर है आप लोग को दिखा देती हूँ. इसका जो एप्लीकेटर है आप लोग देख सकते हो, ये मोटा सा एक तो एप्लीकेटर है, मतलब विच इज़ वेरी मच गुड फॉर द बिगिनर्स, बट ये मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है फॉर हु आर यूजिंग. मतलब ये अगर थिन आप लोग करना चाहे, विंक करना चाहिए थिन करके, तो फिर ये नहीं अच्छा है इसके लिए. लेकिन इसका एप्लीकेटर बहुत ही सॉफ्ट है, बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा ये. तो फिर देख लेते हैं, इसका स्वॉच करके देख लेते हैं थोड़ा सा. और मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहती हूँ कि इसका प्राइस है 275 रुपीज, और इसका नेट वेट है 3.5 ml. एट दिस प्राइस पॉइंट दिस क्वांटिटी इज गुड फ्रॉम लैक्मे. तो फिर मैं दिखा देती हूँ स्वॉच करके आप लोगों को. This one is the swatch of this product. आप देख सकते हो ये. This one is black, completely black in color, but not that jet black. Okay? This one is not jet black in color, but black है, deep black है, लेकिन jet black नहीं है. मैंने अभी पहना ये eyeliner, तो फिर आप देख सकते हो मेरा eyes कैसा लग रहा है. देख लेते हैं ये रब करने से ये उगता है या फिर नहीं उगता है. ये देखिए मैं रब कर रही हूँ इस प्रोडक्ट को, ठीक है. रब करने से ये नहीं उठा है, रब करने से ये नहीं उठा है. वाटरप्रूफ टेस्ट करके देख लेते हैं. ये देखिए मैंने वाटर डाला है, ओ ठीक है. फिर देखते हैं क्या होता है इसके साथ. इसका तो ये खत्म. तो फिर ये वाटरप्रूफ टेस्ट पास नहीं किया. ऑल्दो ये स्मच टेस्ट पास किया है, लेकिन वाटरप्रूफ टेस्ट बिल्कुल भी नहीं पास किया ये. तो फिर आप लोग देख चुके हैं कि आप लोगों को अगर ये मतलब आईलाइनर आप लोगों को अगर वाटरप्रूफ के लिए चाहिए, मतलब आप लोग रेनी सीजन के लिए या फिर कुछ वैसा चाहिए, तो फिर आप लोगों को ये आईलाइनर नहीं खरीदना है. ये बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है. लेकिन आप लोगों का अगर वाटर रेजिस्टेंस चलेगा, मतलब एक ड्रॉप पानी गिरने से ये नहीं फैलता है, स्प्रेड नहीं होता है, लेकिन आप लोग अगर पानी गिर के अगर वो रब हुआ तो फिर ये पूरा मिट जाता है. पूरा मतलब पूरा ही मिट जाता है, आपके आँख को ब्लैक ब्लैक कर देगा. तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. वाटरप्रूफ टेस्ट ये पास नहीं किया है, लेकिन इसका कलर ब्लैक है लेकिन जेट ब्लैक नहीं है. तो फिर आई एम नॉट सो हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट. आई डोंट नो लाइक 9to5 रेंज में क्यों ये प्रोडक्ट है. हाँ 9to5 ये दिस प्रोडक्ट इज लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट, मतलब 9to5 ओनली, बट ये मतलब वाटरप्रूफ टेस्ट नहीं पास करता. और अगर आपका आई सेंसिटिव आई है, मतलब होता है ना जिनका मतलब आंख से पानी आ जाता है, या फिर जिनका मतलब कुछ होने से ही आंख में पानी आ जाता है, रब करना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. मतलब आपका अगर आंख से पानी आया तो फिर इधर से कोने कोने से निकल जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा प्रोडक्ट. तो फिर दिस वन, बाकी सब इसका ठीक ही है, ठीक ठाक ही है. पैकेजिंग इसका मुझे बहुत ही अच्छा लगा. सो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो फिर प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज. थैंक यू.